हेलो मेरे देश के वीर जवानों, आपके बिना हम देशवासियों का दिन नहीं बनता। तो गाइस, आज कुछ व्लॉग में एक छोटी सी लाइन से जो हमने लिखी है तो वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और आज का ये वीडियो स्पेशली हमारे देश के जवानों के लिए है। गए थे वो माँ का दामन चूमकर, बूढ़े पिता के गले लगकर, प्यारी जीवन संगिनी से वादा करके कि जल्दी आऊंगा लंबी छुट्टी लेकर। अपने नन्हे मुन्नों को खिलौनों का लालच देकर चल पड़े थे वो सरहद पर फर्ज निभाने। एक दिन वो आए फिर से लौटकर, तिरंगे में लिपटकर, कोई शत विक्षत शवों में तो कोई सिर्फ टुकड़ों में। भारत माँ के सपूत समा गए थे गहरी नींद। कितनी ख्वाहिशों को सीने में दफन करके चल पड़े थे जीवन के अंतिम सफर। कैसा होगा वो मंजर जब जवानों पर टूट पड़ा था ये कहर, जिसने सब कुछ कर दिया था तितर बितर। 14 फरवरी 2019 भारत में रक्त रंजित दिवस बन गया और जिसने भी सुना वो दहल गया। मेरे वतन के वासियों, जवानों की शहादत कभी खाली न जाए। बस इतनी सी दुआ करो कि ऐसा मंजर फिर कभी लौटकर न आए। दोस्तों, आज का दिन इतना दुखद है कि जब जब भी ये आएगा हमें पुलवामा अटैक जरूर याद आएगा। इसीलिए मैंने ये लाइंस लिखी है, लेकिन ये लाइन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि रोज कई सारे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए सरहदों पर रहते हैं। तो उन सभी के लिए हमें दिल से श्रद्धांजलि अर्पण करनी चाहिए। और दोस्तों, हर सोल्जर के लिए ढेर सारा रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग, ताकि उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए आप भी हमारे देश के सैनिकों का सम्मान करें, उनके लिए दुआ करें कि वे जब भी सरहदों पर जाएं सुरक्षित लौट कर फिर से अपने परिवार के पास आए जरूर। इसीलिए इसी बात के साथ मैं आज की बात खत्म करती हूँ। और गाइस, ये लाइंस मैंने नहीं लिखी, इन्होंने लिखी है, मैंने बस आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ ही गाइस, भारत माता की जय। प्राउड टू बी। और दोस्तों, आज बहुत ज्यादा प्राउड भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक साथ इतनी सारी हिंदी बोली है। इनकी हिंदी बड़ी कमजोर है। इसके लिए लाइक वैसे तो आपको हमारे देश के शहीदों के नाम करना है, लेकिन एक लाइक मेरे इस लाल के नाम भी कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो और उस हर माँ को अपना बेटा फिर बिल्कुल सुरक्षित मिले जो सरहदों पर खड़ा है हमारी रक्षा के लिए। तो जल्दी से फटाफट से लाइक कीजिए, इन लाइंस को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि ऐसा दिन हम फिर कभी देखने नहीं मिले। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।